नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दरवाजा खोलो पुरोहित, दरवाजा खोल पुरोहित। दरवाजा खोल दे शिवा। अबे हट, ये सब क्या है सरजू बाबू? तुम देवी के पुजारी हो इसलिए आज तक तुम्हें छूट दे रहे, लेकिन अब तुम्हारी हरकतें बहुत आगे बढ़ गई हैं। जैसे तारकनाथ की भांजी को तुमने जबरदस्ती मंदिर में क्यों बंद कर रखा है? मैं सब जानता हूँ सज्जू बाबू। किसके इशारे पर एक मासूम लड़की के माथे पर कलंक का दाग लगा और इतना बड़ा जुल्म हुआ? मामा होकर भी इसी तारकनाथ ने उसे बेघर कर दिया। बाला यही रहेगी, कोई उसे यहाँ से नहीं ले जा सकता। गैर कानूनी काम मत करो पुरोहित, तारकनाथ ने अपनी भांजी की शादी तय कर दी है। मगर माला मेरे पास किसी की अमानत है, उसकी शादी पहले ही तय हो चुकी है। बेहतर यही होगा कि आप लोग यहाँ से चले जाइए। ए, खड़े खड़े देख क्या रहे हो, चलो चलो। नहीं नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ इस मंदिर में कोई नहीं जा सकता। रुक क्यों गए, हटा लो इसे, पकड़ लो। नहीं नहीं, जब जरूरत पड़ी स्वयं देवी ने अपने पति के छाती पर पैर रख दिए, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपने पति की भूल निकला दूंगी। चलो करोगे तो इंसान और जानवर में क्या भेद रहेगा, जाने दो इन्हें। ठीक है पुरोहित, हम नहीं चाहते कि देवी के मंदिर में खून खराबा हो, तो एक एक की खाल खिंचवाए। चलो मास्टर, चलो अबे चल। जय मा। सब क्या हो गया? पता नहीं, 10-15 आदमी थे, मेरे आते ही सब भाग गए, मैं किसी को पहचान न सका। वो सब जल गया। Thank you.
अजय बाबू, सुना है उन लोगों ने अस्पताल भी जला दिया। यार मुझे तो ऐसा लगता है कि अजय भैया समझ रहे हैं कि ये आग हम लोगों ने लगाई। नहीं आनंद, इसमें जरूर कोई राज जो अजय भैया हमसे छुपा रहे हैं। नहीं अजय, उन्होंने तुम्हारी मेहनत और सच्चाई को नहीं अपनी भलाई को जलाकर खाक कर दिया है। और उन्होंने तुमसे मुंह मोड़ा नहीं, सामने आती हुई रोशनी से मुंह मोड़ लिया। चाहे कुछ भी हो, वो जन साथी जो मेरा हाथ बटा रहे थे, आज वो भी मेरा साथ छोड़ गए हैं। एक दिन आप ही के इशारे पर इस गांव में आया था। आज जाने से पहले आपकी इजाजत चाहता हूं। जाने से पहले? हाँ। यानी तुम हार मान कर जा रहे हो? जो लोग अपनी भलाई नहीं समझते, उनकी भलाई का ख्वाब देखना भी बेवकूफी है। ओह, और तुम्हारे कारण आज एक अभागन के माथे पर इतना बड़ा कलंक लगा, उसके बारे में तुमने क्या सोचा? इसलिए तो यहाँ आया हूँ। मैं मालव को अपनी धर्मपत्नी मना किया। नहीं, ये कभी नहीं होगा। एक दिन इन्होंने मुझसे कहा था, सिर्फ मेरी माँ नहीं, अब इस गांव में किसी की भी माँ बगैर इलाज की नहीं मरेगी। इन्होंने कहा था ये सुंदरगढ़ को सुंदर नगर बना देंगे, और आज जाने से पहले एक मामूली लड़की का हाथ पकड़कर ये साबित करके जाना चाहते हैं कि इनकी वो भावना एक ढोंग थी, झूठ थी, और ये चाहती इनके झूठ में मैं साथ दूं? कभी नहीं। अगर ये जाना चाहते तो अकेले जाएं, मगर जाने से पहले देवी मां ये कहते हुए जाएं कि ये बुज़दिल है, कमजोर है, अपनी माँ को दिए हुए वचन को तोड़कर हार मान के इस गांव से जा रहे हैं। आज जिस बुराई के सामने अच्छाई की हार हुई है, मैं उसके खिलाफ लड़ूंगा। अरे मेरी जान क्यों न चली जाए। अजय भैया, हम आपको अपना बड़ा भाई समझते हैं, और आपने इतनी बड़ी बात हम लोगों से छुपाई। तुम सब मुझे अपना बड़ा भाई कहते हो? हाँ भैया। और अगर तुम्हें पता चले तुम्हारा बड़ा भाई तुम लोगों का खून करना चाहता है, तो तुम पाँव वालों को चीख चीख कर कहते फिरोगे? हमें माफ कर दीजिए अजय भैया, हमसे गलती हो गई, हम ये सब फिर से बनाएंगे अजय भैया। अगर तुम लोग मेरे साथ हो तो फिर से। मास्टर जी, आप कहाँ जा रहे हैं? अजय बाबू, मैं अपने घर जा रहा हूँ। सुंदरगढ़ में कभी कोई अच्छा काम हो ही नहीं सकता। ऐसी बात नहीं मास्टर, ये सब हम फिर से बनाएंगे। हाँ, फिर से बनाएंगे। एक बात सच है, अब कोई अच्छा काम करने से पहले हमें यहाँ की बुराई को खत्म करना पड़ेगा। कहीं आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे? नहीं, नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। वंडरफुल, प्लान तो बहुत अच्छा है। वी मस्ट टेक अ चांस, बाय इवनिंग वी मस्ट रेडी। यस सर। अर्जुन भैया, मैंने तय कर लिया है, इस घर को डायनामाइट से उड़ा दिया जाएगा। कल सुबह एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, यहाँ पर मैं एक अस्पताल बनवा रहा हूँ। आपने बुलवाया सरजू बाबू? अजय बाबा। कौन?
क्या बात है शंभू दादा? आ गया, थोड़ी सी ले लो, तबीयत में जरा चुस्ती आ जाए। तुमसे बहुत सी बातें करनी है। बहुत दिनों से तुम परेशान थे कि चोर पोटरे कहां है। इतने नीच हो तुम सरजू भैया। जिस जमीन पर तुम्हारे बाप दादा की दौलत से मैं नेक काम करना चाहता था, उसी में तुम रुकावट बनते रहे। एक गंदी हरकत तुम्हारी थी, तुम कमीने हो, गद्दार हो। शट अप। जानते हो हमारे सामने जबान खोलने का नतीजा क्या होता है? दिखा दो इन्हें। शुभ दादा, हाँ, उस नमक हराम ने हमारे टुकड़ों पे पलकर हमारे सामने जबान खोलने की कोशिश की, लेकिन हम तुम्हें जीने का एक और मौका देते हैं। ये कागजात देख रहे हो, तुम्हें सिर्फ इस पर दस्तखत करना है। कैसे कागजात? यही जो हमारे खानदान से तुम्हें भीख मिली है। सब कुछ तुम हमें बेचकर ये गांव छोड़कर हमेशा के लिए चले जाओगे। क्यों? खुलवा दूं हाथ? तुम जैसे कमीने के सामने सर झुकाने से मौत ज्यादा बेहतर है। वो तो तुम्हें मिली जाएगी, लेकिन हम तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं देंगे। यहां और भी मेहमान खाने हैं, वहां तुम्हारी एक साथी भी है। जिंदगी में तो तुमने उसका साथ नहीं दिया, अब मौत में दे दो। कौन है? मैं हूं हुजूर। दरवाजा खोलो। क्या बात है हुजूर? चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया। पुलिस? अच्छा, इनका साथ दे रही है। बलराम, सुंदरगढ़ में पुलिस कितनी हो? जाओ उनका मुकाबला करो। चलो। दस्तखत करोगे? नहीं। नहीं करोगे? नहीं। अब भी वक्त है, दस्तखत करो। नहीं करूंगा, कह दिया मैंने। दस्तखत करे तो इनकी खातिर करना, और अगर ना करे तो भी मेहमान नवाजी में कोई कसर बाकी नहीं रखना, समझे? बाबा, बाबा, वहां बहुत गोलियां चल रही है, पुलिस ने चारों तरफ से घेर रखा है। एक पुलिस वाला कह रहा था अजय भैया का पता नहीं है। अजय की चिंता मत करो, अजय की रक्षा मां जगदम्बा करेगी। Yeah.
पानी लगा है। दरवाजा तो है, लगता है बाहर जाने का ही रास्ता, लेकिन दरवाजा खुलेगा कैसे? पानी बहुत है। अजय ये देखो क्या है। जिस रास्ते से पानी आ रहा है उसी रास्ते से चलना चाहिए हमें। पुलिस का मुकाबला नहीं कर पा रहे और हमारे पास गोलियां भी खत्म हो गई। बलराम जल्दी करो। Yes, sir. We are in danger here. इसी वक्त जहाज बीच दरिया में ले जाओ। सुबह होने को आई है, हमारे वहाँ पहुँचते ही जहाज छूटेगा। सबको कहो तैयार रहे और कोई माल नहीं उतरेगा, समझे? अपना पीछा कर रहा है। नजदीक आने दो और खत्म कर दो। जी हुजूर। उसकी बोट को
शादी करने में। जो भी हमारा ही खून है, जहां तक हो सके बर्दाश्त करना। नहीं अजय भैया, मार डालो इसे। उस दिन तो पुरोहित जी ने इसे बचा लिया था, आज हम इसे जान से मार डालेंगे। नहीं, अभी हमें करने के लिए बहुत अच्छे काम है। सरजू भैया, बर्दाश्त से तो तुम बाहर जा चुके हो, फिर भी हम तुम्हें माफ करते हैं, लेकिन कानून तुम्हें माफ नहीं करेगा। थैंक यू जी बाबू, थैंक यू। इनके कुछ साथी तो हमारी हिरासत में हैं, बाकियों के नाम तो आप जानते ही होंगे। आपको तकलीफ देने क्या जरूरत है, मैं सबके नाम गिरा देता हूँ एक के बाद एक लाइन से। अपने नंबर एक को ले लीजिए, वो क्या नाम है उसका, तारक नाथ। आपकी भूलने की आदत नहीं, तारक नाथ तो मेरा ही नाम है। इंस्पेक्टर, गाँव के लोग बड़े भोले भाले होते हैं, जिस रास्ते पर ले जाओ उसी पर चलो। सरजू भैया जाओ, अपने पापों का प्रायश्चित कर लो। ओके अजय बाबू। हाँ